मेरठ में बुलियन ट्रेडर्स एसोसिएशन ने एक प्रदर्शनी लगाई है। ये प्रदर्शनी 3 दिनों के लिए लगाई गई है, जिसमें पहले दिन 1380 व्यापारियों ने भाग लिया और करीब 55 स्टॉल में 100 करोड़ से अधिक के आभूषण प्रदर्शित किए गए। आपको बता दें कि प्रदर्शनी का उद्घाटन करने सांसद राजेंद्र अग्रवाल पहुंचे। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इस प्रकार के आयोजन से एक नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर स्थान की पहचान बनती है। मेरठ के लोग जो काम करते आ रहे हैं, उन कामों के बारे में मेरठ के लोगों को भी जानकारी नहीं है। वैसे आज इस बार की एग्जीबिशन लगी इस प्रकार की, इससे इसकी जानकारी मिलेगी और व्यापार के अंदर उसका विस्तार होता है, उसकी संभावनाएं बढ़ती हैं, नए नए जो देश के अंदर या दुनिया में जो प्रयोग हो रहे हैं, जो नए काम कर रहे हैं, उसकी भी जानकारी मिलती है, तो इससे एक इंट्रैक्शन भी होता है। इस प्रकार के जो आयोजन है बड़े महत्वपूर्ण होते हैं, उपयोगी होते हैं और मैं इसके लिए बहुत आयोजकों को बधाई देता हूँ। और निश्चित रूप से आज ये पहला आयोजन है, ये क्रम आगे भी चलेगा और जिस प्रकार की प्रतिष्ठा, जिस प्रकार का योगदान हमारे मेरठ का है, वो पूरे देश के अंदर उसको यश प्राप्त होगा। सर, ये लगभग कई दिन के लिए आयोजन लगा हुआ है? ये 3 दिन का आयोजन है, इसकी शुरुआत हो रही है और आप देख ही रहे हैं जहाँ पर जेवल्स होते हैं तो खूबसूरती तो अपने आप ही होती है। आप ये देखेंगे कितना यानी डिटेल्स के साथ यहाँ पर काम होता है और किस प्रकार की प्रदर्शनी में, इस प्रकार की प्रदर्शनी में कितने प्रकार की चीजें देखने को मिलती है, आपके ध्यान में आ रहा होगा। सर, ये बहुत ही अच्छा, इस बार ज्वेलर्स को भी कुछ मिलेगा आपके तरफ से? मेरी तरफ से आप जैसे आप सांसद बने, इस बार सरकार की तरफ से कुछ ज्वेलर्स के लिए कुछ करवाए हुए? नहीं, अब ये चीजें सामने आई है, इसको मान्यता मिले सरकार, उसके लिए जो अपेक्षा है सुविधाओं की या सहयोग की या प्रोत्साहन की, वो सरकार प्रदान करे, तो जो हमारे इस उद्योग से, इस व्यापार से जुड़े हुए हमारे लोग हैं, उनसे भी बात करके जो भी इसमें संभव हो किया जाएगा। सर, इसकी सुरक्षा के लिए क्या इंतजाम है? पूरे हैं इंतजाम है सुरक्षा के लिए, कोई हिम्मत ना करे, देर ना करे, उनको नुकसान हो जाएगा। लोग करेंगे और कैसा लग रहा है आपको मेरठ आकर? बहुत अच्छा, मैं अभी कुछ दिन पहले भी आया था, मुझे ने मुझे बुलाया था वो एनिवर्सरी के लिए, मैंने तो ऐसा इवेंट कभी नहीं देखा और आज जो मैं यहाँ देख रहा हूँ ये भी बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। मेरठ का एक्सपीरियंस अब तक बहुत कमाल रहा है, जाते हुए भी आते हुए भी। अच्छा, आपका एक जब बुलाओ नहीं जब बहुत ही चर्चित सीरियल इस समय चल रहा है जी, परम अवतार श्री कृष्ण जी, उसमें आपका क्या रोल है सर? उसमें कंस। अच्छा, नॉर्मली कंस जी नाम रखना भी लोग वाक पसंद नहीं करते हैं आज के टाइम में जी जी जी, आपको कंस का रोल करके मुझे कैसा महसूस हुआ? मैं आपको बताऊं, एक एक्टर के लिए बहुत कमाल की चीज़ होती है कि उसको अलग अलग रोल्स मिले। मैं इससे पहले चाणक्य कर चुका हूँ, पेशवा कर चुका हूँ, महाकुंभ हो चुका है, इस प्यार को क्या नाम दूँ, हर जगह कुछ ना कुछ अलग था, रावण था लेकिन भक्त रावण था, लेकिन कंस में जो मुझे अपनी गंभीरता, जो रेगुलर मैं गंभीर रोल्स और वो बड़े इंटेलेक्चुअल और बड़े इंटेलिजेंट रोल कर रहा था, तो कंस ने वो एक मेरी भूमिका तोड़ने का मुझे वो एक चांस दिया कि मैं उस चीज़ से थोड़ा बाहर निकलूं और अपने आप को फिर से एक एज एन एक्टर प्रूव कर सकूं। अच्छा, कंस का किरदार निभाने के लिए आपको कितनी मेहनत करनी पड़ी? मेहनत बहुत ज़्यादा इसीलिए होती है क्योंकि वहाँ बाकी जो कैरेक्टर्स थे वो तकरीबन वो दिमाग से प्ले होते थे, डेफिनेटली आप एग्जॉस्ट हो जाते हैं जब आप मेंटली कुछ करते हैं, यहाँ फिजिकली भी आपको बहुत काम करना पड़ता है। फिजिकली मैं वो 6.5 किलो का जो वो मेरा एक गहना है जो मैं पहनता हूँ वो 6.5 किलो का है, टोटल एंटायर जो है वो 13 किलो का है, वो फिजिकली बहुत ज़्यादा हो जाता है। फिर उसमें उछल कूद है, उसमें अचानक कुछ भी हो सकता है, यानी वो गिर जाता है, रो जाता है, नीचे लेट जाता है, तो फिजिकली बहुत ज़्यादा मूवमेंट्स हैं जो रेगुलर एक्टर्स के लिए नहीं होते, तो डेफिनेटली फिजिकली और मेंटली दोनों एग्जॉस्ट ज़्यादा होते हैं, तो तैयारी ज़्यादा करनी पड़ती है। चलिए, वेलकम इंडिया न्यूज़ से बात करने का बहुत बहुत धन्यवाद।